हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल लर्न गेम्स इन इजी वे में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा गेम जो बहुत ही ईजी है, जिसे हम बकारत के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस सिंपल गेम के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। सो रूल नंबर वन, नंबर ऑफ प्लेयर्स। आप इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा 14 लोगों के साथ खेल सकते हैं और अकेले भी इस गेम का मज़ा उठा सकते हैं ऑनलाइन या डायरेक्ट कैसीनो में जाके। रूल नंबर टू, इस गेम में तीन तरीके की बेट्स होती हैं। पहला जो हम प्लेयर्स पे लगाते हैं, पंटो। दूसरा जो हम बैंकर पे लगाते हैं, बैंको। और तीसरा बेट वो होता है जो हम टाई पर लगाते हैं, स्टैंड ऑफ। वी रिकमेंड यू टू प्ले इधर पंटो और बैंको इन प्लेस ऑफ स्टैंड ऑफ ड्यू टू इट्स हाई कैसीनो एडवांटेज। रूल नंबर थ्री, कार्ड वैल्यूज। यहाँ कार्ड्स 2 से 9 की वैल्यूज कार्ड के नंबर पर डिपेंड करती है। यानी जिस कार्ड पर 2 लिखा होगा उस कार्ड की वैल्यू 2 होगी, जिस कार्ड पर 5 लिखा होगा उस कार्ड की वैल्यू 5 होगी। इस वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। कार्ड्स 10, किंग, क्वीन और जैक की वैल्यू 0 होती है और एस की वैल्यू होती है 1। रूल नंबर 4, हैंड वैल्यूज। इस गेम में बैंकर और प्लेयर को 2 से 3 कार्ड्स दिए जाते हैं। जो कार्ड्स दिए जाते हैं उनकी वैल्यू को जोड़कर जो नंबर हमारे पास आता है वो हमारी हैंड वैल्यू होगी। जैसे अगर हमारे पास कार्ड्स हैं 2 और 5, तो हमारा हैंड वैल्यू 7 हो जाएगा। यहाँ लेकिन एक और रूल आता है कि हमारी हैंड वैल्यू 1 अंक की ही हो सकती है, ना कि 2 अंक की। अगर हैंड वैल्यू 2 अंकों की हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 कार्ड्स हों 7 और 5, तो इनका टोटल 12 होगा, लेकिन हमारी हैंड वैल्यू 2 होगी। यहाँ हम 1 को ड्रॉप कर देंगे। बकारत में बेस्ट पॉसिबल स्कोर होता है 9 और वर्स्ट पॉसिबल स्कोर होता है 0। तो आइए देखते हैं कि आखिर बेट प्लेसमेंट होती कैसे है। हम देखते हैं कि टेबल पर 2 कार्ड्स प्लेयर को दिए गए हैं और 2 कार्ड्स बैंकर को। जिसका स्कोर ज़्यादा वो गेम जीतेगा। अब आपको बेट लगाना है कि प्लेयर जीतेगा या बैंकर जीतेगा, या फिर ये एक टाई मैच होगा। रूल नंबर 5, पाउट्स। पाउट्स का मतलब आप कितना जीत सकते हैं अगर आप सही बेट लगाते हैं। तो मान लीजिए कि आप प्लेयर पर बेट लगाते हैं और वो जीत जाते हैं, तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपने ₹250 की बेट प्लेयर पर लगाई है और प्लेयर का स्कोर ज़्यादा होता है, तो आपको आपके ₹250 तो मिलेंगे, पर साथ ही आपको एक्स्ट्रा ₹250 मिलेंगे जो आपका प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप बैंकर पर बेट लगाते हैं और बैंकर का स्कोर ज़्यादा होता, तो आपकी बेट का 5% कमीशन कैसीनो के पास चला जाता। लेकिन अगर मैच टाई हो जाता है, यानी कि बैंकर और प्लेयर दोनों का स्कोर सेम हो जाता, तो वैसे केस में क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर आपने टाई पर बेट लगाई है और स्कोर टाई हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट 1000% हो जाएगा। तो जैसे पिछले बार आपको दुगने पैसे वापस मिले थे, अगर स्कोर टाई हो जाता तो आपको 10 गुना पैसे वापस मिलते। पहले हम जानेंगे कि प्लेयर, बैंकर और टाई की बेट्स फ्रेंड्स खेलते हैं तो कौन विन होगा, और प्रॉफिट के कुछ एग्जाम्पल। प्लेयर एंड बैंकर, मान लीजिए यहाँ 2 फ्रेंड्स प्ले कर रहे हैं, आकाश और पंकज। आकाश ने बेट किया है प्लेयर पर और पंकज ने बेट किया है बैंकर पर। अब यहाँ डीलर ने कार्ड्स बांट दिए, आकाश के पास आए हैं 6 और 3, पंकज के पास आए हैं 3 और 4। तो यहाँ आकाश विन हो गया क्योंकि आकाश की कार्ड की हैंड वैल्यू ज़्यादा थी। 6+3=9, आकाश को 2:1 का प्रॉफिट हुआ। और अगर यहाँ आकाश ने बेट की होती बैंकर पे, तो आकाश विन होता, उसको प्रॉफिट होता 1.95:1 का, 0.5 पैसा कमीशन विनिंग पे कैसीनो को जाता है। टाई, अब बात करते हैं टाई बेट की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि आकाश और पंकज प्ले कर रहे हैं, आकाश ने टाई पे बेट लगाया एंड पंकज ने बैंकर पे। अब डीलर ने कार्ड्स बांट दिए हैं, प्लेयर पे कार्ड आए 10+5, पंकज के पास आए 8+7। जैसे कि आप जानते हैं कि राइट साइड के नंबर को ही कंसिडर किया जाता है, तो प्लेयर और पंकज दोनों के पास 5-5 आया, तो ये टाई हो गया। यहाँ आकाश विन होता है एंड उसको 11:1 का प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी गेम में भी डाउट हो, कमेंट करें या फिर मैसेज करें। सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।